तो कल के मैचेस के बारे में आप बताओ। देखो मैं पहले ऑडियंस को बोल रहा था कि 24.25 पॉइंट्स काफी होंगे क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए। 44 पॉइंट चौथी टीम निकाल के गई है, मतलब डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब टॉप मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ 5-6 टीम से जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो 16 टीम की लॉबी है ना, उसमें से कुछ 5-6 टीम से जो बहुत अच्छा प्लेयर चल रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट्स वो कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एक सच पहली दो फॉर एग्जांपल एक्सो हो गई और मायामी की टीम हो गई, वो थोड़ा सा एग्रेसिव दिखा थे ना, मतलब पहले टाइम पे तो कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता था, मतलब पहली चार टीम पर, क्योंकि पहली दो टीम जब ज्यादा पॉइंट लेती है ना तो कट ऑफ अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा आपने कल के मैचेस तो देखे होंगे पक्की बात। एक चीज के ग्लोबल स्पोर्ट्स ये अचानक से ऐसे कैसे, क्योंकि हमने पहले भी उनको देखा है खेलते हुए। सबसे ये जो अभी चल रहा है ना, ये जो राउंड 3 चल रहा है ना, यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है ना वो 100% पॉइंट निकालेगा। अभी स्लेयर हो गया, सामवन हो गया, आइकॉनिक हो गया, डार्क हो गया, उनके पास बेस्ट सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस, तो जोन में तो वो कैसे भी करके जाने वाले, उनको बस प्राइस निकालना, वो प्राइस उन लोगों ने निकाल दिया। गॉडलाइक के 100 पॉइंट्स मान ले, हम लोगों ने टारगेट भी रखा है 100 का टारगेट रखा है, अगर बहुत मुश्किल है बट ये पूरा ट्राई करेंगे हम लोग, मतलब 90 से लेकर 100 तक तो ट्राई करेंगे, हर मैच अगर 30 पॉइंट लेते हैं 15 दिन के साथ चिकन तो भी 90 होगा। मतलब तीन चिकन आने हैं वो भी बड़े बड़े चिकन आने, तो 100 पॉइंट्स लॉन्डो, 100 पॉइंट का टारगेट है और सबसे बड़ा टारगेट है ये, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, दिक्कत नहीं है क्योंकि लास्ट दिन है शायद मैचेस आप लोगों के 30 तारीख को है। एनिग्मा वालों सुन रहे हो।